महाराष्ट्र से ये चुनाव परिणाम अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर आपको बताया उत्तर पश्चिम मुंबई की बात करें तो रविंद्र वायकर को भी हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। यूबीटी के अमोल कीर्तिकार की जीत होती हुई नजर आई है, ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। वहीं बारामती से सुप्रिया सुले की ये बड़ी जीत मानी जा रही है, यह अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को भी हार का सामना करना पड़ा है। ये चुनाव परिणाम इस वक्त महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जहां अजीत पवार को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि एनसीपी में दो फाड़ के बाद से अजीत पवार को ये लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक बार फिर से शरद पवार फुल पावर में नजर आ रहे हैं। नासिक से शिंदे गुट के हेमंत गोडसे की भी हार हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। नासिक से यूबीटी के राजा भाऊ की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। वहीं बारामती में सुप्रिया सुले 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतती हुई नजर आ रही है। लातूर में कांग्रेस के शिवाजी राव कालगे की जीत हुई है। साथ ही अगर बात करें बीजेपी के सुधाकर श्रृंगारे की हार हुई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है और शरद पवार के खेमे में विजय उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। सुप्रिया सुले भारी वोटों से जीत गई हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। शिवसेना भवन के सामने उद्धव कार्यकर्ताओं का ये जश्न देखने को मिल रहा है। बुढ़ाना से शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव की ये जीत आपको बता रहे हैं।